नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सब्सटेंस पेंटर में हम लोग हेडलाइट कैसे क्रिएट करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि काफी अलग अलग तरह का हेडलाइट होता है, तो हम लोग एक सिंपल मेज का एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो वेरिएशन है, जैसे इसमें ये प्लेन ग्लास है, किसी में आप देखेंगे तो अंदर की ओर आपको डिजाइन मिलेगा, उसी तरह और कहीं पे देखें तो आपका जो बाहर का ग्लास है उस पे आपका पैटर्न होता है और थिकनेस होता है। तो चलिए हम लोग इसको बना के देखते हैं। इसके लिए हम लोग सब्सटेंस पेंटर में जाते हैं, तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। सब्सटेंस पेंटर में आने के बाद हम लोग सबसे पहले अपना फाइल इंपोर्ट कर लेंगे। फाइल इंपोर्ट करने के लिए हम लोग फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे न्यू। न्यू पे जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना फाइल और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ अपना हेडलाइट का मेस। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद बाकी चीजें हम लोग डिफॉल्ट रखते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मेस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमने सिंगल शेडर ही लिया है और यहाँ पे काफी अलग अलग मेस है, जैसे अभी आप देख सकते हैं नॉर्मल पीछे की ओर से है तो आपको ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। हम लोगों को सामने से सिर्फ टेक्सचर करना है, तो हम लोग आगे टेक्सचरिंग की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग जो शेडर है इसके अंदर जो लेयर ब्लैंक लेयर है इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। ब्लैंक लेयर को डिलीट करने के बाद हम लोग इसको कर लेते हैं बेक। बेक करने के लिए हम लोग टेक्सचर सेट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम लोग चूज करेंगे बेक मेस मैप, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, बस हम लोग आउटपुट साइज कर लेते हैं 1K और हम लोग इसको कर देते हैं बेक सिलेक्टेड टेक्सचर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा टेक्सचर बेक हो रहा है। बेक होने के बाद हम लोगों को आना है यहाँ पे चैनल के अंदर और हमें ओपेसिटी मैप यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे से प्लस में क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे ओपेसिटी। तो यहाँ पे देखिए ये ओपेसिटी आ गया। अब हम लोगों को शेडर की सेटिंग करनी है, तो जो हमारा मेन शेडर है इसके लिए यहाँ पे देखिए शेडर सेटिंग में हम लोग जाएंगे। शेडर सेटिंग में आने के बाद पीवीआर मेटल रफ जो है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए पीवीआर मेटल रफ विद अल्फा ब्लेंडिंग, तो हम लोग इसको चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा चेंज हो गया। अब हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद हम लोग लेयर में आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे फिल लेयर। फिल लेयर क्रिएट करने के बाद इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं ग्लास। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा ओपेसिटी है इसको हम लोग कर देते हैं कम। तो यहाँ पे ओपेसिटी में आने के बाद हम लोग इसको जीरो की ओर लेके जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, पर अभी ये पूरा ओवरऑल अप्लाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें मास्क करना है। मास्क करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे लेयर के ऊपर और यहाँ से हम लोग चूज करेंगे ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क करने के बाद हम लोग को जाना है यहाँ से पॉलीगन फिल पे और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे यूवी और हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे फ्रंट फेस। पर अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो सिर्फ ये सामने का ट्रांसपेरेंट हो रहा है, पीछे का नहीं। इसकी वजह है कि यहाँ पे जो हम लोग का ग्लास का थिकनेस है, तो इंटरनल जो आपका मेस होगा वो भी सामने की ओर फेस किया हुआ है, तो हम लोगों को वो भी सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे F3 और हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे से 2D व्यू में और हम लोग अंदर का भी मेस हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे फिलहाल कोई भी एक कलर डाल देते हैं ताकि ये यह हमें यहाँ पे दिखाई दे। अब आते हैं हम लोग 3D व्यू में और यहाँ से हम लोग प्रेस कर लेते हैं F2। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्लास यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी ग्लास की प्रॉपर्टी लाने के लिए हम लोग रफनेस और मेटालिक में चेंजेस करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। पहले हम लोग कलर चेंज कर लेंगे, कलर हम लोग थोड़ा सा ब्लूइश लेंगे। कलर चेंज करने के बाद हम लोग रफनेस को 0 कर देंगे और यहाँ से जो मेटालिक वैल्यू है इसको हम लोग कर देंगे 1। तो इससे क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट और ग्लास की तरह यहाँ पे रिफ्लेक्टिव होगा, पर हम लोगों को इतना रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो रफनेस की वैल्यू है उसको थोड़ा सा हम लोग 1 की ओर लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पे देखिए आपको ग्लास का थिकनेस भी नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लास को और थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम लोग ओपेसिटी के अंदर आएंगे और इसको 0 की ओर लेके जाएंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ग्लास क्रिएट हो गया और यहाँ पे हम लोग फिर थोड़ा सा रफनेस को ट्विक कर लेते हैं। रफनेस को ट्विक करने के बाद हमारे यहाँ पे ग्लास का पूरा प्रॉपर्टी आ गया है, आप देख सकते हैं थिकनेस भी दिखाई दे रहा है। बाकी चीजें जैसे ऊपर हमें कोई पैटर्न डिजाइन या फिर लोगो चाहिए तो हम लोग वो बाद में देखते हैं। बाकी के मटेरियल हम लोग यहाँ पे फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, तो चलिए हम लोग बाकी का मटेरियल क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग अगेन यहाँ पे से आएंगे फिल लेयर। फिल लेयर से हम लोग लेने के बाद इसको टाइप कर देते हैं क्रोम
और इसको भी हम लोग करते हैं राइट क्लिक और यहाँ से ब्लैक मास्क, ब्लैक मास्क, फिर यहाँ से हम लोग पॉलीगन फिल ले लेंगे और इसका भी यूवी सेलेक्ट करेंगे और ऊपर का जो होगा हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग फिल लेयर की प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ से हम लोग इसका मेटेलिक वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिये ये क्रोम की प्रॉपर्टी आ गई है, पर रिफ्लेक्शन थोड़ा और ज्यादा चाहिए तो रफनेस हम लोग यहाँ पे 0 की ओर लेके जाएंगे। तो ये हमारा क्रोम का प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया। इसमें और थोड़ा वेरिएशन लेके आने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कलर थोड़ा डार्क ले लेते हैं तो ये थोड़ा सा ब्लैकिश दिखाई देगा, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अभी हमें अंदर के रिफ्लेक्टर के लिए अगेन एक न्यू लेयर लेना है, तो हम लोग फिल लेयर ले लेते हैं और इसको दे देते हैं नाम रिफ्लेक्टर। ठीक है, रिफ्लेक्टर देने के बाद अगेन हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक मास्क। अब हम लोग रिफ्लेक्टर का जो बेस है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने यूवी लिया है और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कलर पे आते हैं और कलर हम लोग इस बार थोड़ा सा ग्रे ले लेते हैं और इसकी भी मेटालिक वैल्यू हम लोग कर देते हैं 1। तभी ये देखिए आपका अंदर का भी क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम लोग रफनेस पे ज्यादा चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अगर ओवरऑल चेंज करेंगे तो सभी चीजें आपका फुल रिफ्लेक्टिव दिखाई देगा, जिससे आपको ब्रेक थ्रू नहीं दिखेगा। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और डिक्रीज कर दीजिए ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट दिखाई दे। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अभी देखिए बल्ब के अंदर मैंने कुछ नहीं रखा है, तो हम लोग बल्ब ट्रांसपेरेंट नहीं लेंगे बल्कि इसमें एक कोई कलर डाल देते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग एक फिल लेयर लेंगे और अगेन इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे बल्ब, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क लेने के बाद हम लोग अगेन फिल की प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ से हम लोग इस बार सिर्फ वेरिएशन के लिए कोई भी एक कलर ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर ले लेते हैं और व्हाइट की ओर आएंगे। ठीक है, ये हमारा कलर हो गया। अभी हमें इसे सेलेक्ट करना है, ये अंदर है तो हम इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग 2D व्यू में आते हैं और यहाँ से हम लोग अपना मेस का यूवी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम लोग यहाँ से वापस आ जाते हैं 3D व्यू में F2 प्रेस करके। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऐड कर देते हैं ताकि ये भी थोड़ा बल्ब जैसा लगे। तो हम लोग इसको रफनेस कर देते हैं फुल। तो यहाँ पे देखिए ग्लास की प्रॉपर्टी अंदर भी आ गई, बाकी कलर हम लोग ऐसे ही रखते हैं। आप चाहें तो जो ट्रांसपेरेंसी है इसको बढ़ा सकते हैं अगर आपके अंदर फिलामेंट और बाकी चीजें आपने बनाई हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, पर आपको दिखाने के लिए मैं इसको कर देता हूँ कम। यहाँ पे देखिए ये हमारा बल्ब यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे से मैं ओपेसिटी इसका हटा देता हूँ और इससे भी हम लोग चैनल को ऑफ कर देते हैं। उसी तरह रिफ्लेक्टर में भी ओपेसिटी हम लोग हटा देंगे और क्रोम के अंदर से भी ओपेसिटी को हम लोग कर देंगे ऑफ। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बचा है, जो आपका बल्ब होल्डर है, तो हम लोग इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और फिल लेयर लेने के बाद सेम इसका नाम चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ब्लैक मास्क। वापस हम लोग 2D व्यू में आएंगे F3 प्रेस करके और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपना यूवी। कलर पे आने के बाद हम लोग इसको थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं। वापस हम लोग F2 प्रेस करके 3D व्यू में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे आपका ये आ गया। आप चाहें तो इसको भी क्रोम बना सकते हैं, तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे चाहते हैं मेटालिक फुल ले लेते हैं और कलर हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं व्हाइट की ओर। तो इस तरह से हमारा वेरिएशन दिखेगा, बाकी रफनेस में ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्लास जो हेडलाइट का है वो बेस जो है वो बनकर तैयार हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एग्जांपल है ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, जिसमें हमारा पूरा फ्लैट ग्लास होगा और अंदर का जो रिफ्लेक्टर है वो भी प्लेन होगा। अब इसी में हम लोग इस तरह का देखते हैं जिसमें ग्लास तो हमारा प्लेन हो लेकिन जो अंदर का रिफ्लेक्टर है उसमें हमारा पैटर्न हो। चलिए हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। अभी इन बेस लेयर को हम सबको क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल जी करता हूं, इससे क्या होगा फोल्डर के अंदर आ जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम लोग बेस। तो इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर पैटर्न क्रिएट करना है। तो सेम हम लोग यहाँ पे आएंगे फिल लेयर पे और इस बार हम लोग को सिर्फ जरूरत है यहाँ पे हाइट मैप की। तो अल्ट के साथ हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा सिर्फ हाइट मैप होगा। अब हमें यहाँ पे अंदर पैटर्न डालने के लिए या तो खुद का टेक्सचर हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे काफी सारे प्रोसीजरल टेक्सचर है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे ब्रिक जनरेटर। तो हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैटर्न इसके अंदर आ गया, लेकिन अब ये ओवरऑल आ रहा है, आप देख सकते हैं हर एक जगह है। तो हम लोग इसको सिर्फ रिफ्लेक्टर के अंदर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसका नाम दे देते हैं हाइट और रिफ्लेक्टर के लिए हम सिर्फ रिफ्लेक्ट देते हैं रिफ्लेक्टर। अगेन इसमें राइट क्लिक करेंगे, ब्लैक मास्क लेंगे और रिफ्लेक्टर का यूवी सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी में आने के बाद आप देख सकते हैं आपने कितनी आसानी से ये चीज़ें क्रिएट कर ली। अब इसमें इस पैटर्न को हम लोग को चेंज करने के लिए जो हाइट जनरेटर है, तो इसके लिए हम लोग को पैरामीटर के अंदर आना है। जो ब्रिक का साइज है इसको हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इंक्रीज करता हूँ या फिर हम इस पर टाइप कर देते हैं 10। उसी तरह वाई जो एक्सेस है उस पर भी हम लोग टाइप कर देते हैं 10। तो यहाँ पर भी इक्वल है सारा चीजें, इसमें भी हम लोग वेरिएशन लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए वेवल है, तो वेवल को हम लोग कर देते हैं कम। इसी तरह इस प्रॉपर्टी में हम लोग चेंजेस करके अपना पैटर्न लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया। अभी यहाँ पे देखिए ये एंगल में है, तो हम लोग इसको रोटेट करते हैं। रोटेट के लिए यहाँ पे हमारे पास यूवी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे रोटेशन से हम लोग इसको रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग लेके आ सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये हाइट काफी ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे और लेयर के जो नीचे यहाँ पे देखिए बेस कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग को चूज करना है हाइट। हाइट में आने के बाद हम लोग इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे यहाँ पे प्रोसीजरल पैटर्न है, आप इनका यूज कर सकते हैं एक एक करके यहाँ पे, या फिर इसी ब्रिक टेक्सचर के अंदर आप अगर इन प्रॉपर्टीज के साथ चेंजेस करेंगे तो आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो इस सेम पैटर्न से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ, जहां पे अंदर भी रिफ्लेक्टर है और बाहर भी पैटर्न है, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि कुछ लोगो या फिर कुछ पैटर्न अलग से हो। तो हम लोग अभी ग्लास के ऊपर हम लोग पैटर्न क्रिएट करेंगे, तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेम यहाँ पे एक फिल लेयर लेंगे, या फिर इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिल लेयर ले लेता हूँ और इसको हम लोग दे देते हैं ग्लास टॉप हाइट। यहाँ पे भी हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ब्लैक मास्क ले लेंगे और सिर्फ सामने का हम लोगों को यूवी सेलेक्ट करना है, तो हम लोग सामने का सेलेक्ट कर लेते हैं। वापस हम लोग आते हैं फिल की प्रॉपर्टी में और यहाँ से हम लोग अल्ट के साथ हाइट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से सिर्फ हमारे पास हाइट मैप होगा। इस बार हम लोग दूसरा एक प्रोसीजरल टेक्सचर लेते हैं और इसको हम लोग अप्लाई करते हैं इस टॉप ग्लास। तभी आप देखिए काफी स्मूथ है, तो हम लोगों को इसको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे से हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग ये ले लेते हैं स्ट्राइप्स और इसको हम लोग हाइट के अंदर अप्लाई कर देते हैं। तभी ये देखिए ये हमारे अप्लाई हो गया। सेम चीज यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हम लोग अगेन पैरामीटर के अंदर आते हैं और आपको कितना ज्यादा चाहिए तो वो यहाँ पे से आप ले सकते हैं। मैं इसे 30 ले लेता हूँ या फिर हम लोग इसको कर देते हैं 50। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है पर ये एंगल में है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं रोटेट। ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्लास के ऊपर भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाकी एरिया में अगर नहीं चाहिए तो अगेन यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से पेंट लेयर लेके इस पर पेंट करके बाकी चीजें रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह इसमें अगर आपको कोई लोगो ऐड करना है तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैं इसे फिलहाल डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल डी से और इसको हम दे देते हैं नाम 2। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आएंगे ऑल के अंदर। ऑल पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर टाइप कर देते हैं टेक्स्ट और हम लोग यहाँ से स्क्रॉल कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए काफी सारे टेक्स्ट यहाँ हैं, तो हम लोग इनमें से कोई भी एक टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एरिया को और यहाँ पे हम लोग हाइट के अंदर इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है, लेकिन इसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको स्केल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ग्लास के ऊपर पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग प्रॉपर अरेंज करते हैं। इसके लिए हम लोग जाते हैं 2D व्यू पे और यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं रोटेट। रोटेशन यहाँ पे हमारा 9 है, इसको हम लोग कर देंगे 0 और इसको हम लोग कर लेंगे मूव और स्केल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिपीटेशन दिखाई दे रहा है तो हम लोग रिपीट को कर देंगे नन, तो ये सिंगल हो जाएगा। अब अगर हम लोग 3D व्यू में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैटर्न यहाँ पे इजिली आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह आप इसमें से कोई भी अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये चेंजेस हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक मैप क्रिएट करना है जो भी आपका लोगो हो उसका ब्लैक एंड व्हाइट, और यहाँ पे आप सिंपल इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए
ये चीजें यहाँ पे आपको इजिली अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हेडलाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो इंडिकेटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे चेंज करना होगा इसका पैटर्न। तो हम लोग पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है जो कि हमारा हाइट है रिफ्लेक्शन का। तो इस पे अगर हम लोग प्रोसीजरल में जाएं और कोई दूसरा यहाँ पे से हम लोग पैटर्न ले लेंगे तो हम लोग इसको रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है टाइल जनरेटर और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे हाइट के अंदर अप्लाई। ठीक है, अप्लाई होने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे पैटर्न के अंदर। यहाँ पे से हम लोग इसका टाइलिंग कर देंगे इंक्रीज। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल इंडिकेटर के अंदर की तरह बन गया। अब इसको सिर्फ आपको कलर देना है तो हम लोग नीचे भी जाके चेंज कर सकते हैं या फिर इसी हाइट मैप में हम लोग कर देते हैं कलर को ऑन और यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं रेड। तो आप देख सकते हैं ये आपका रेड रिफ्लेक्टर हो गया। आपको अगर इसको ऑरेंज करना है तो यहाँ पे से आप कलर ऑरेंज कर दीजिए। इस तरह से आप रिफ्लेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हेडलाइट में काफी ये न्यू लग रहा है जिसकी वजह से बिल्कुल साइनी है, तो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। उसके लिए ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं न्यू लेयर और इसका नाम हम लोग दे देते हैं रफनेस। ठीक है, रफनेस देने के बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे और अल्ट के साथ रफनेस पे क्लिक करेंगे ताकि सिर्फ रफनेस यहाँ पे हो और यहाँ पे हम लोग ओवरऑल एक रफनेस मैप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगेन हम लोग आते हैं ग्रंज के अंदर और ग्रंज पे हम लोग चूज कर लेंगे कोई भी एक मैप। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ग्रंज फिंगर और इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप रोटेट करेंगे तो थोड़ा सा आपको ब्रेक थ्रू दिखेगा। अगर आप इसे ऑफ कर दें तो आप देखिए बिल्कुल साइनी है। इसकी जगह पे ये थोड़ा सा आपको चेंजेस नजर आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपना हेडलाइट या रिफ्लेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।